गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको जितनी भी आप वेजिटेबल ग्रो कर रखे हो उनमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं उन सभी का पूरा विज्ञान समझाती हूँ ढंग से, कि किस टाइम पर कौन सी दवा अप्लाई करनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए और किस रोग के लिए कौन सी दवा होती है, कौन सा फर्टिलाइज़र होता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जितने भी हैं सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। ये हमारे जितनी वेजिटेबल ग्रो कर रखी हैं वो सभी मैं वैसे वीडियो में दिखाती रहती हूँ। ये देख सकते हो तरबूज की बाड़ी है और खीरे की, मिर्ची, टमाटर जो भी है उन सभी के लिए ये दवा ला रखी हैं और इनको अप्लाई भी किया है, आगे अप्लाई करेंगे तो उसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ मैं आपको। उसके लिए जैसे ये शक्ति है ये प्लांट के रूट में चढ़ाई जाती है ड्रिप की मदद से, इससे प्लांट में चढ़ाने से शक्ति आती है, इसका मतलब है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है ये ड्रिप की मदद से इसमें चढ़ाने से। मोर्टार है, ये इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं और रूट में भी चढ़ा सकते हैं इसको। जैसे इनका वैसे मैं पहले मैंने वीडियो बना दिया है कि कौन सा कब कब यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं सभी का अलग अलग वीडियो बनाकर, और मैंने दिखाया भी है। और ये फंगो, ये कृष्णा फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और रूट डेवलप होती है और पौधा जल्दी ग्रोथ करता है, तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जल्दी होती है। उसके लिए अन्य ये जितनी भी हैं ये दीमक के लिए होती है कि इन प्लांट की रूट को है दीमक काट देती है तो उसके लिए यूज की जाती है। ये ओमिडा है जो प्लांट के कीट लग जाते ऊपर, लीफ कर्ल प्रॉब्लम हो जाती है या जो पत्ता छेदन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए यूज की जाती है। इसका स्प्रे किया जाता है, इसको पानी में घोलकर और आप स्प्रे मशीन से इसका स्प्रे कर सकते हो। और इसके अलावा ये है, ये बेनेविया है, बूस्टन है। ये बेनेविया है इंसेक्टिसाइड होती है जिसको आप इसकी रूट में भी चढ़ा सकते हो और ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है। और ये दोनों मिक्स करके और फिर अप्लाई की जाती हैं ग्रीननेस के लिए और पौधे की डेवलप करने के लिए। ब्लू लाइन है एक, और एक एनर्जी, दोनों को मिक्स किया जाता है। ये चमत्कार है, ये पौधों में इसको रूट में चढ़ाया जाता है जिससे पौधे में चमत्कारी के जो चेंजिंग दिखाई देते हैं, पौधा जल्दी बढ़वार करता है, अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये नीम ऑयल है, ये पौधे के ऊपर स्प्रे भी किया जाता है और रूट में भी चढ़ाया जाता है जिससे इंसेक्ट मर जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है जिससे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और अच्छा पावरफुल होता है इसका कीटनाशक, जिससे जितने भी कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं आसानी से। अब ये देख सकते हो ये हमारी खीरे की बाड़ी है, तो हमने इसमें भी अप्लाई किया है, तरबूज की बाड़ी में भी किया है, और ये मिर्ची की बाड़ी है इसमें भी इसको अप्लाई किया है, टमाटर की बाड़ी में अप्लाई किया है। इसके अलावा जैसे ये बलराम है 1261 NPK जो फर्टिलाइज़र होता है, ये झलक है, मोर्टार है, कृष्णा ये फर्टिलाइज़र है, और भी जितने आपको पहले वीडियो में दिखाए हैं वो, और ये ब्लैक बॉस है, ये एक इंसेक्टिसाइड है, मोर्टार भी इंसेक्टिसाइड है। ये फंगो, ये प्लांट की रूट में फंगस आती है उसके लिए होती है। ये केल होती है, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है। ये डीमैन है, ये फर्टिलाइज़र है, या आप किसी भी वेजिटेबल के अंदर इसको रूट में चढ़ा सकते हो ड्रिप की मदद से। और ये जो कृष्णा है ये भी फर्टिलाइज़र है, इसको भी आप रूट में चढ़ा सकते हो, और ये पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है, फ्लावरिंग अच्छी होती है इससे और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है, जो फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है वो भी रुक जाती है। ये जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं या जो फर्टिलाइज़र हैं, ये सभी हमने हमारी इन वेजिटेबल क्रॉप के अंदर अप्लाई की है
और इनका अच्छा रिजल्ट भी रहा है। और आपके सामने हमारी बॉडी दिखाई दे रही है कि इसके में कैसा दिखाई दे रहा है, जब से ग्रो की है तब से मैं दिखाती जा रही हूँ इसको कि कितनी बड़ी हुई है और कैसे कैसे ये अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको इसका पूरा विज्ञान समझ आ गया होगा अच्छे से कि आपने भी जो भी कोई वेजिटेबल ग्रो कर रखी है उसमें कोई भी दिक्कत है और उसके लिए आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड है, वो चाहिए, तो आप इनमें से जो मिस्टेक आपकी वेजिटेबल के अंदर उसके लिए इनमें से कोई भी दवा अप्लाई कर सकते हो जो जिसके अकॉर्डिंग है वो, और फिर आप रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको। क्योंकि ये पहले मैंने अप्लाई किए हैं और फिर आपको दिखा रही हूँ कि आप भी इनको आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छी ग्रोथ बढ़ा सकते हो इन वेजिटेबल की, अच्छा यील्ड ले सकते हो, अच्छा जैसे अच्छी ग्रोथ रहेगी तभी इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है और जब अच्छी फ्लावरिंग होगी तभी अच्छी फ्रूटिंग होगी और साफ़ सुथरे जो भी फल लगेंगे वो साफ़ सुथरे रहेंगे, अच्छे मोटे ताज़ा रहेंगे, तो उनकी जो डिमांड होगी वो अच्छी मार्केट में होगी, उनका भाव अच्छा मिल जाएगा, तो आपकी जो इनकम होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो सभी के लिए पहले ये ज़रूरी होता है कि इनकी केयर अच्छे से करो, टाइम टाइम पर इनकी सिंचाई करो, इनमें जो भी कोई वीड से निकल आती है उसको काटो, उसकी कटिंग करो, और फिर इसके अंदर कोई भी दिक्कत हो रखी है कि कहीं फंगस आ गई है प्लांट के अंदर या इनमें पत्ते में कोई अन्य कोई रोग है, पत्ता छेदन की प्रॉब्लम है या कोई कीट आ गया है इसके ऊपर, लट आ गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर दवा छिड़कनी है या रूट में चढ़ाना है तो उसी के अकॉर्डिंग चढ़ाया करो, जैसे दवा चढ़ानी है तो उसी के अकॉर्डिंग चढ़ाओ और स्प्रे भी उसी के अकॉर्डिंग करो, जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग, तो आपकी अच्छी खासी बॉडी हो जाएगी, अच्छी डेवलप होगा इसके अंदर और आपकी मनी भी डेवलप होगी ये सब अच्छे से कर लोगे। तो यदि ये जानकारी मेरी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और अन्य भी कोई जानकारी चाहिए इस वेजिटेबल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ। इसी तरह से आप मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।